हाय, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, जो कि बिहार एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई है। 2023 की वैकेंसी रहने वाली है। ये जो आपका जॉब रहेगा, इसका पोर्टफोलियो ये है कि आपको प्रशासनिक विभाग में जॉब करने का मौका मिलता है, जो कि बिहार सचिवालय के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग इस वैकेंसी की डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये जो आपका जॉब है, इसको अप्लाई करने का इम्पॉर्टेंट डेट जो रहने वाला है, वो आपका 15 मई से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई आपका 14 जून 2023 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रहने वाला है। जैसे इसमें आपको दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, स्टेनोग्राफर एंड इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर के लिए जो पोस्ट रहेगा आपका, वो आपका टोटल नंबर 225 रहने वाला है, यानी 225 सीट आपका स्टेनोग्राफर का रहेगा। वही इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए, तो आपका 7 टोटल सीट रहने वाला है। तो ओवरऑल जो ये वैकेंसी है, वो आपका 232 सीट्स, यानी 232 वैकेंसी निकल के आई है बिहार एसएससी की तरफ से। सो सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा अगर हम स्टेनोग्राफर के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको स्टेनो आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज होना चाहिए। वहीं अगर हम इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको मौलवी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और आपको स्टेनोग्राफी 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। तो ये सारी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर हम यहाँ एज लिमिट की बात करें, तो आपका मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स है, और मैक्सिमम एज आपका 37 यानी 37 साल रहेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स रहने वाला है, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का फ़ी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 540 रुपीज़ लगेगा इस फॉर्म का फ़ी। वहीं अगर एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों की बात की जाए, तो उनको 135 रुपीज़ लगने वाला है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट है, बिहार की डोमिसाइल है, जिनका आवासीय है बिहार का, उनको बस 135 रुपीज़ लगेगा। और अगर कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको मेल प्लस फीमेल दोनों को 540 रुपीज़ एप्लीकेशन की चार्ज लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहता है, प्लस आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग और स्टेनो दोनों का टेस्ट होता है। रिटन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें दो सेक्शन में एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। आपका सेक्शन वन जो होता है, वो आपका जीके जीएस ये सब टोटल मिला के एक सेक्शन रहेगा। फिर जब आप सेकेंड सेक्शन पे जाओगे, तो उसमें आपको जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये एक 12th बेसिस एग्ज़ाम रहेगा, तो उसका लेवल भी उसी ढंग का रहने वाला है।
तो अगर आप चाहो कि इस क्वेश्चन की पैटर्न क्या रहने वाली है, तो रिसेंटली आपको हुआ था एग्ज़ाम 12th लेवल का, तो आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देख सकते हो, बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम का। और अभी रिसेंटली SSC CGL का भी हुआ था, बिहार SSC CGL का, तो उसका भी आप पेपर देखोगे तो उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि इसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है। तो अगर जब आप रिटेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो, तब आपको स्किल टेस्ट देना होता है, जो कि टाइपिंग प्लस स्टेनो का टेस्ट रहता है। जब आप ये पास कर लेते हो, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बिहार SSC की वैकेंसी है, तो जॉब की जो लोकेशन है वो आपको बिहार ही रहने वाली है। और इसकी इस जॉब की जो पोर्टफोलियो है, ये आपका एक बहुत अच्छा ऑफिशियल जॉब रहेगा, जो कि सचिवालय के अंतर्गत आता है। ऑफिशियल यानी प्रशासनिक विभाग में आप जॉब करोगे, तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर करना है खुद को इस पेपर के लिए। इस जॉब की जो इन हैंड सैलरी होती है वो आपका 35,000 से स्टार्टिंग होता है। तो यही सब बेसिक डिटेल्स है आपको बिहार SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी की। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से मैं उसे समझा पाऊँ डिटेल्स को। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स। मिलती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।